अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है गर्मी के साथ साथ प्रैक्टिस भी आप लोगों की चल रही होगी अकाउंटिंग की और स्टैट्स की। स्टैट्स का लेक्चर नंबर 8 सेकंड ईयर का हमारा पहला चैप्टर चल रहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 में हमारा ये पहला चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। 5 ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, एक दो मैंने लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को मुझे याद पड़ रहा है मिसिंग वैल्यू का समझाया था। दो क्वेश्चन 5 ईयर के हमारे और हैं जिसको मुझे अभी सॉल्व कराना है। एक क्वेश्चन जो आज मैं लेक्चर नंबर 8 में लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है। उसमें सिर्फ यह है कि क्लास इंटरवल का साइज 18 है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 18 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, और उसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसकी एक रिक्वायरमेंट में शायद आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो क्वेश्चन हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे वो कैसे सॉल्व होगा। ये जो आज का क्वेश्चन है हमारा, 5 ईयर आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। 5 ईयर में देखें, 2016 का पेपर है, रेगुलर और प्राइवेट कंबाइन हुआ था ये पेपर। 2016 सेक्शन बी, और इसका ये पार्ट नंबर था 5। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था 2016 सेक्शन बी, इसका पार्ट नंबर हमारे पास था 5। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है द गिवन डेटा, द डेटा गिवन बिलो शोज द डेली वेजेस पेड टू द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ये डेटा दिया हुआ है वर्कर्स की डेली वेजेस के बारे में जो एक फैक्ट्री में उनको दी जाती है। क्लासिफाई दिस डेटा टेकिंग अ इंटरवल ऑफ 18। क्लासिफाई द डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। कैसे मुझे पता चला? क्योंकि इसमें मेंशन है टेकिंग अ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लें, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनती है। क्लास इंटरवल ऑफ 18, क्लास इंटरवल का साइज क्या होगा? 18 होगा। एंड स्टार्टिंग विद 100। क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है या क्लास इंटरवल स्टार्ट कहाँ से करनी है? 100 से। दो चीज़ें बता दी, क्लास इंटरवल पहली स्टार्ट होगी 100 से, साइज 18 होगा। ऑल्सो कैलकुलेट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसमें कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पे कॉलम्स हमारे बनेंगे, मैं थोड़े थोड़े गैप से बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारा कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल का, सेकंड कॉलम हमारा बनेगा टैलीज का, थर्ड कॉलम हमारा बनेगा फ्रीक्वेंसी का, और उसके बाद हमारा लास्ट कॉलम बनेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। पेपर में लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होंगी, कभी कभी दिल चाहता है लेक्चर देते जाते तो कि थोड़ी सी लाइंस को थोड़ा सा डिज़ाइन दिया जाए। एक नया डिज़ाइन मैंने दिया है, आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पहली क्लास इंटरवल हमारी स्टार्ट होगी 100 से, साइज ऑफ 18 कहाँ पे एंड करना है? 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। हमारी पहली क्लास इंटरवल एंड हो रही है
117 पे, अपने फिंगर पे काउंट कर सकते हैं। सेकेंड क्लास इंटरवल होगी 118 से, और ये हमारी कहाँ पे एंड होगी, हमारा 18 का साइज होगा 135 पे। थर्ड क्लास इंटरवल हमारी स्टार्ट होगी 136 से, ये एंड होगी हमारी 153 पे। उसके बाद क्लास इंटरवल बनाने से पहले मैं यहाँ पे ये देख लेता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। इस पूरे डेटा के अंदर मैं कॉलम वाइज जब वैल्यूज देखता हुआ जा रहा हूँ, तो मेरे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो है 225। तो अभी काफ़ी क्लास इंटरवल हमारी बननी बाकी हैं। 153 पे एंड हुई है, नेक्स्ट स्टार्ट होगी हमारी 154 से, और इसको एंड करेंगे 171 पे। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारी स्टार्ट होगी 172 से, इसको एंड करेंगे 189 पे। फिर हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो स्टार्ट होगी वो होगी 190 पे, इसको हम लोग एंड करेंगे 207 पे, 18 का साइज हो गया। और फिर हमारी नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टार्ट होगी 208 पे, और ये एंड होगी 225 पे। तो ये हमारी क्लास इंटरवल्स बन गई। अब इसके बाद हम इसमें तलाश करेंगे फ्रीक्वेंसीज कितनी कितनी हैं। इसकी टैलीज तलाश करना बहुत मुश्किल काम है, साइज कॉम्प्लिकेटेड है 18 का। फाइव ईयर अपने सामने अगर आप लोग रखें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। पहली क्लास इंटरवल है 100 से 117, तलाश करते हैं। पहले कॉलम के अंदर कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इसमें आए। सेकंड जो हमें कॉलम दिया हुआ है इसके अंदर भी कोई वैल्यू पहले उसमें नहीं आ रही क्लास इंटरवल में। थर्ड में भी कोई वैल्यू नहीं आ रही। फोर्थ के अंदर दो वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, एक 103 और एक 107। फिफ्थ में कोई वैल्यू नहीं है। सिक्स में एक वैल्यू है 117, और लास्ट कॉलम में दो वैल्यूज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास हैं पांच। एक नंबर है हमारे पास 103, 107, फिर हमारे पास है 117, फिर 100 और फिर 104। पांच वैल्यूज हैं, टैलीज बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, और इसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 5। सेकेंड 118 से 135, मैं काउंट कर रहा हूं यहां पे कितनी वैल्यूज हैं। दो वैल्यूज हमारी ऐसी हैं जो 118 से 135 में आ रही हैं, फिर है 136 से 153।
छह वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारी 136 से 153 के बीच में आ रही हैं। फिर देखते हैं 154 से 171, सात वैल्यूज मुझे इसमें ऐसी नजर आ रही हैं जो इस कैटेगरी में आ रही हैं। फिर 172 से 189, बारह वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें इस कैटेगरी में नजर आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास है 190 से 207, वन नाइन्टी से 207 में हमें एक भी टैली नज़र नहीं आ रही, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी और इसमें टैली नहीं बनेगी। और फिर 208 से 225, आठ वैल्यूज ऐसी हैं जो इसमें नजर आ रही हैं। एक नंबर मुझे पहले कॉलम में स्टार्टिंग में ही नजर आया 240, तो हमारी एक क्लास इंटरवल और बनेगी। टू ट्वेंटी फाइव पे ये एंड हुई थी, 226 से लेकर 243 तक, साइज ऑफ 18। इसके अंदर क्लास इंटरवल कितनी नजर आ रही है ये देखते हैं।
एक वैल्यू, इसकी ये टैली हो गई और ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल, यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज छह वैल्यूज एक कॉलम में है, सात कॉलम है, 6 7 42 42 वैल्यूज है। इसका टोटल देखते हैं 42 आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारा इसका टोटल बन रहा है 41। एक वैल्यू मिसिंग है, देख लेते हैं दोबारा कौन सी वैल्यू मिस हुई है। मैं यहां से स्टार्ट ले रहा हूं, हो सकता है यहां से हमारी कोई वैल्यू मिस हुई हो 226 से 243 में। पहले कॉलम में 240 है, इसमें एक ही वैल्यू है। अब देखते हैं 208 से 225 को, आठ वैल्यूज हमारी आ रही थी। इसमें आठ ही वैल्यूज हैं, 190 से 207 देख लेते हैं। वन नाइन्टी से 207 में कोई वैल्यू नहीं है, 172 से 189, 12 ही नजर आ रही है, 154 से 171। ये वैल्यूज हमारे पास आठ है, तो अब दोबारा टोटल करके देख लेते हैं, 7 13 21 33 41 और 142। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पहले ही पता है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते हैं। मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेता हूं और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसको यहां पे नोट डाउन करता हूं।
पहली फ्रीक्वेंसी हमारी 5, 5 डिवाइडेड बाय 42 आंसर आ रहा है हमारा 0.119। 2 डिवाइडेड बाय 42 0.047। 6 डिवाइडेड बाय 42 0.142। 8 डिवाइडेड बाय 42 0.190। 12 डिवाइडेड बाय 42 0.285। इसका आंसर 0 आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 42 0.190। और लास्ट है 1 डिवाइडेड बाय 42 0.023। इसका टोटल एग्जैक्ट 1 आएगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन 2016 जिसका साइज काफी कॉम्प्लिकेटेड था, ये हमारा खत्म हुआ। इंशाल्लाह लेक्चर 9 जो हमारा होगा उसमें हम लोग लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस टॉपिक का। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।